नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। सोनभद्र अनपरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 लक्ष्मण नगर परासी रेणु सागर श्री चित्रांशु गली में बजबजा रही नालियों से पानी निकास न होने की वजह से बारिश का पानी कई घरों में भर गया। आप देख सकते हैं, जिससे सभी घर वाले परेशान हो गए। वहाँ के लोगों का आरोप है कि कई बार अपने सभासद को बोला कि यहाँ की नाली साफ न होने के कारण हम लोगों के घरों में पानी आ रहा है। महिलाओं ने बताया कि सभासद उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते आज हम सब के घरों में नाली का गंदा पानी भर जा रहा है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने बताया किस तरह से उन्हें कुछ घंटों की बारिश के वजह से परेशान होना पड़ा। वहीं बोली कि गंदगी साफ न होना, दवा का छिड़काव न होना, जिसके चलते बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। सागर का नाला जिसकी वजह से पूरा पानी लॉक हुआ है, मतलब उसमें कचरा भर गया। रेणु सागर 5 साल हो गया, कभी नहीं सफाई किया ना कुछ, आगे कभी तो कुछ बोला ही नहीं आज तक कि क्यों हो रहा है। जो सभासद वो भी नहीं ध्यान देते हैं ना कोई, मतलब यहाँ का जो भी नियम कानून सब उल्टा होते जा रहा है। मतलब पानी नाली की सफाई नहीं हो पा रही है। नाली के सफाई छोड़ दो, बीमारी फैल रहा है, मलेरिया डेंगू। यहाँ जो नहीं होता था वो सबके घर में हुआ। आजकल सारे बच्चे मेरे घर के बीमार पड़े, सबके घर के, बड़े बूढ़े बच्चे सब बीमार पड़ रहे हैं। पूरा नाली का गंदा पानी घर में घुस जा रहा है, पूरा कीचड़ मकोड़े जो हम चाहते हैं कि पहले वो नाला जो है वो साफ हो। रेणु सागर का नाला जो गया है उसको साफ होने के लिए हम ये रख रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं, क्योंकि ये शिकायत आया कि मतलब कचरा बहता है, कचरा साफ होता है। हम मिश्रा जी मेरे यहाँ बहुत बार कचरा ये नगर पालिका वालों को बुला के सफाई करवाए, पूरा एकदम छड़ द्वारा पूरा एकदम साफ, लेकिन बार बार वो वहाँ रहने से वो पूरा जाम हो जाने से भरने से पूरा भर जा रहा है। और सबके घरों में किचन में पानी चला जा रहा है, घरों में पानी जाता है। हाँ, उसका कुछ नुकसान होता होगा, बहुत नुकसान हो रहा है। गंदा नाला पानी जा रहा है, पार करके जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है पूरा। गंदा नाली का किचन में पानी जा रहा है, गंदा नाले में, मतलब की बदबू आ रही है। हम लोग खाने अपने अपने सभासद या सबको सबको दिए हैं, सबको दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नगर पालिका में हम कोई आते हैं, बस नाली सफा करके चले जाते हैं। ठीक है, आप सफाई नगर पालिका वाले जो जुटे हैं उनको रखे हैं तो उसको अच्छे से सफा करवाइए कि जो निकले निकल के आते हैं बस कचरा निकालते हैं, जो फंसा रहता है फंसता है, नहीं तो फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर उसी में वापस चला जाता है। तो क्या किया जाए भाई, हम लोग कितने परेशान। कल की बात बता रहे हैं, कल के ना हम लोग कल वहाँ तक बारिश पूरा पानी, जहाँ कुर्सी रखा वहाँ तक बारिश का पानी पूरा गया। पूरा पानी एकदम घर में भरा था, जब तेज बारिश होती है तब घरों में पानी में भर जाता है। इसके लिए हम बताइए हम लोग कितने परेशान, कितने हम लोग झेले ये भाई। हम बीमारी भी हो रही है, कुछ तो सुविधा मिले, घर में बच्चे बीमार है, हॉस्पिटल में देखे कि क्या हो, ना कभी दवाई के छिड़काव, ना कभी कुछ का कुछ, क्या है बस खाली नाम का हो गया है। इतना बड़ा बड़ा कीड़ा हो गया सब नारी में, नाली साफ नहीं करवाते हैं लोग। बस कौन से वार्ड में आते हैं? 13 वार्ड। इसकी जानकारी आपने दी थी? जानकारी तो हमेशा देते हैं, आते हैं लोग, कचरा साफ करते हैं लोग, बढ़िया से भी कचरा साफ नहीं होता है, आके चले जाते हैं लोग थोड़ा बहुत इधर उधर करके। मान लीजिए इसकी जानकारी सभासद अधिकारी को दी, पर आप लोग की सुनवाई नहीं हुई? नहीं सुनवाई हुआ। लड़के लोग स्कूल से आते हैं लोग, पानी रहता है तो कहाँ से आने के लिए उनको बहुत दिक्कत होता है। कोई छत के ऊपर से दूसरे छत से जाते हैं लोग, तब जाके लड़के लोग जाते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, पूरा पानी भर जा रहा है, घरों में घुस जा रहा है। यही सब तो है, कभी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है लोग। माने उधर भी है नाली, वो पूरा भर जाता है, उधर पूरा जाम हो जाता है।